दोस्तों जैसे आमिर खान की पीके मूवी ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, उस तरह साउथ के कई एक्टरों ने ऐसी फिल्में की हैं जो लोगों का रिलीजन सेंटीमेंट को हर्ट करती है। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में। नंबर 3, 2012 में रिलीज हुई फिल्म जीने नहीं दूंगा। ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसमें लीड रोल पर रवि तेजा और तापसी पन्नू का था, और इस फिल्म के एक सीन में रवि तेजा को भगवान से ज्यादा ताकतवर दिखाया गया है, जिसकी वजह से ये फिल्म काफी कंट्रोवर्सी में आ गई थी और शायद यही कारण था कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। नंबर 2, 2015 में रिलीज हुई फिल्म 10 कदम। ये एक रोमांटिक एक्शन फिल्म थी जिसमें लीड रोल समांथा और विक्रम का था, और आपको बता दूं इस मूवी में समांथा का दो रोल था, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। और इस फिल्म के एक सीन में समांथा के नेगेटिव रोल ने पूजा की थाली से सिगरेट जलाया था, जिस वजह से फिल्म काफी कंट्रोवर्सी में आ गई थी। इस फिल्म का लोगों ने काफी विरोध किया था और जिसकी वजह से ये फिल्म फ्लॉप हो गई। नंबर 1, 2007 में रिलीज हुई फिल्म लॉकर लोग। इस फिल्म को SS राजामौली ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में लीड रोल पर जूनियर NTR थे, और इस फिल्म में यमराज को एक लवर बॉय के रूप में दिखाया गया था, जिसकी वजह से इस फिल्म को काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी का सामना झेलना पड़ा। वैसे आपके सेंटीमेंट किस मूवी को देख के हट हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।